अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग वंस अगेन। आई होप आप सब लोग भी फाइन शाइन होंगे। तो जी, मैं आई हूँ बोर्जन शूज़ पर अपने लिए सैंडल्स की शॉपिंग करने भी, और आप सबके साथ एक शॉर्ट सा वीडियो भी शेयर करने। बहुत खूबसूरत इनकी विंटर्स की कलेक्शन आ चुकी है, स्टोर्स पर भी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लेकिन मेरा मानना ये है अगर आपको फुटवेयर परचेज़ करना है तो आपको लाइवली स्टोर से ही जाकर परचेज़ करना चाहिए, बिकॉज़ ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं, कभी साइज़ फिट नहीं आता, कभी दिस एंड दैट, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा जी, विंटर्स के अकॉर्डिंग फ्लैट शूज़, पम्प्स, हील्स, ब्लॉक शूज़ और जॉगर्स, बहुत सारी वैरायटी आपको बोर्जन शूज़ पर अवेलेबल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, बहुत खूबसूरत, माई फेवरेट ब्रांड बोर्जन शूज़ इन स्पेशली कैजुअल वेयर, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू फुटवेयर, बहुत ज़बरदस्त है बोर्जन शूज़। कैजुअली भी अगर आपको बाय करना है तो स्टाइलो शूज़ और बोर्जन शूज़ इज़ द बेस्ट वन। और ब्राइडल के साथ साथ आपको थोड़ा सा फैंसी प्रेटवेयर भी चाहिए तो भी बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग वेयर हैं, लॉन्ग टाइम चलते हैं और काफ़ी इनकी जो क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त होती है, ड्यूरेबल होती है, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे होते हैं, एलिगेंट होते हैं, क्लासी से होते हैं। और मोस्टली अगर आपको मेरी तरह कम्फीस चाहिए, थोड़ा सा मेडिकेटेड प्लस कम्फर्टेबल स्लीपर्स चाहिए, कैजुअली लॉन्ग वॉक के लिए चाहिए या घर में कैजुअली यूज़ के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी बोर्जन शूज़ इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। तो अच्छा, बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पर इनके कलर कॉम्बिनेशन भी, आप देखिए कितने एलिगेंट से हैं। और एक छोटा सा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि कंफर्ट्स में ना इनकी जो सीज़र डिज़ाइन आते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि मेरा मानना ये है कि अकॉर्डिंग टू विंटर्स सीज़र डिज़ाइन जो है वो थोड़ा कम होने चाहिए। डेफिनेटली सॉक्स का सीज़न होता है, बहुत कम होती है हमारे यहाँ विंटर्स, तो यूजुअली 2 मंथ्स ही होती है या 2.5 होती है, बट होती तो है। और जिस तरह का अब डिज़ाइन मैं सेलेक्ट करना चाह रही थी, फर्स्ट तो उसमें था ही नहीं मेरा साइज़, और मुझे इतनी मुश्किलों से, इतनी सर्चिंग के बाद मेरा साइज़ अवेलेबल होता है। या तो मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आते, कुछ मेरे पाँव पे अच्छे नहीं लगते, कुछ बस बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मेरा फुटवेयर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और तमाम बोर्जन की ब्रांचेस से पता भी करवा लिया, साइज़ मेरा अवेलेबल नहीं था, एक नंबर कम एक नंबर ज़्यादा था, कुछ इसी तरह के ड्रामे होते हैं। मुझे कम्फी में चाहिए था, कम्फी में था ही नहीं, और जहाँ पर अवेलेबल था वो कंप्यूटर सिस्टम से जब पता करवाया गया तो जनाब मेरा जो नंबर था वो रहीम यार खान की ब्रांच में पड़ा हुआ था बोर्जन शूज़ के, ठीक है। तो बिलीव मी व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब खज्जल ख्वार होना पड़ता है अपने फुटवेयर के लिए, चाहे वो मुझे प्रेडवेयर लेना हो, चाहे वो मुझे कैजुअल में लेना हो। एनीवेज, मैं वैसे भी बहुत सिलेक्टिव हूँ, हर किस्म का जूता मुझे पसंद नहीं आता, हर किस्म के डिज़ाइन पर मैं नहीं मर मिटती, बस इस किस्म की है मेरी चॉइस। हर इंसान का अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है, टेस्ट ऑफ चॉइस होता है, इसी तरह मेरा भी है। फुटवेयर में मैं बहुत 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 सिलेक्टिव हूँ, जबकि मुझे इतना शौक है, इतना शौक है, मेरी वार्डरोब में हर तरह का कलर मतलब अवेलेबल होता है। यू सेड आई हैव इट, इस तरह का हिसाब है मेरे पास, इतने ज़्यादा मतलब फुटवेयर्स होते हैं। लेकिन बस मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग होती है मेरी फुटवेयर की शॉपिंग। तो बस यही सारा कुछ चल रहा था, अब आपको वीडियो में थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या परचेज़ करना चाह रही थी और कौन से साइज़ का मुझे इशू आ रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए कि विंटर के अकॉर्डिंग शूज़ बहुत खूबसूरत हैं, कलर्स बहुत अवेलेबल हैं, मैचिंग कलर्स तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग्स में हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इस तरह के कलर्स मैचिंग में नहीं पसंद। कोई ऐसे स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जिनकी मैचिंग करनी चाहिए, हर मैचिंग कलर भी अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि फ़ैशन ट्रेंड को अगर फॉलो करना है तो इस तरह का फ़ैशन ट्रेंड फॉलो करना चाहिए जिसको हम थ्रू आउट रेगुलरली भी मतलब उसको लेकर चल सकें हैं, और उसी में ही हम एलिगेंट भी लगें, क्लासी भी लगें। तो बस इसी तरह की सर्चिंग में मैंने थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट कर ली आप सबके साथ शेयर करने के लिए, और थोड़ा सा आपको नो हाउ भी दे दी अबाउट देयर विंटर अराइवल इन्फॉर्मेशन। और जहाँ तक इनकी सेल की इन्फॉर्मेशन है, तो जी हाँ, इनकी सीज़न एंड सेल जो है वो दिसंबर में ही एक्सपेक्टेड है। और जो प्राइसिस की बात मैंने आपसे की ही नहीं,
जी हाँ, बर्जन शूज़ की कैजुअली जो नॉर्मल प्राइसेस का स्टार्ट है वो 2600-2700 से, और कंफर्टेबल कम्फीज़ की जो रेंज है वो इनकी 3800 और 4000 प्लस में है। आई होप मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ ही जाए तो खुले दिल से मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा विथ सब्सक्रिप्शन बेल, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।